और आज एक बार फिर पहुंच गए भाई शिवानी दूध दारा, शिवानी बोलान जिला हिसार में अजीत भाई के पास में पहुंच गए हैं। पहले एक बार फिर वीडियो बनाई थी भाई की, और भाई उस टाइम थोड़ा हमारे भी वो संशय था, अब भाई वीडियो बना दी भाई के, फिर है ना रिजल्ट इस फीड के अच्छे हैं बुरे हैं, जेन्युइन जो जानकारी है वह दी, सच्चाई बताई, जो इनके बैग के अंदर है वही जेन्युइन चीज थी और इस्तेमाल भी करा। अरे जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया लेगी यो बाजार देखता रह गया, ऊपर ऊपर से लोगों का प्यार देखता रह गया, और अपने भीतर देखा कौन है यो बाहर देखता रह गया, परमात्मा से नहीं मिलाई जिसने आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और हर बार से कुछ और, बात बात में दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई, इस्तेमाल भी करा कई पशुपालक भाइयों के मेरे पास स्पेशल कॉल आए, अब भाई शिवानी बोलान जो शिवानी दूध दारा के नाम से फीड है जो आपने वीडियो बनाई थी वो पशु बहुत खुश होकर खा रहे हैं और बहुत बढ़िया फायदे मिल रहे हैं। अजीत भाई राम राम। राम राम भाई, अजय भाई आपको और आपके दर्शकों को, पशुपालक भाइयों को सबको राम राम। और ठीक हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। शिवानी दूध दारा के नाम से फीड है अपनी जी, खड़बीसी नाम था भाई साहब? हाँ, खड़बीसी नाम से भाई, या ताजी ताजी लकड़न लाग रही है और खड़की भी भाई पूरी जो भाई पे सारी चीज जो है आज बारीकी से दिखावेंगे, साथ के साथ बनन लाग रही है भाई जी, और गरम गरम है भाई साहब। गरम गरम भाई साहब, ताजी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने माल की डिमांड है उतना ही माल तैयार होगा। अच्छा जी जी भाई, ये तो न्यू मान लो जी साहब, भाई पहले न्यू आया करता ना, सरा होया करती उसमें भठियारी जब भोजन बनाया करती जी 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 जी, जब कोई मुसाफिर आया, मुसाफिर आया तो यहाँ पर जितनी जरूरत हो उतना ही तैयार करना। उस वीडियो में कई आइटम आपने दिखाए थे, और भाई आज पूछेंगे वे आइटम घटा दिए बढ़ा दिए या फिर भाई वही आइटम आज भी अपनी फीड में डालना है, पूरी जानकारी ले लें। कई भाई नु कहते हैं भाई बादाम लिया ये, पिस्ते लिया ये, चीज घेर दी वो चीज घेर दी, उनका कुछ फायदा भी है अगर नहीं है अगर वैसे ऐड कर दें, ये चीज बताओ एक बार। प्रोडक्ट घटाने या बढ़ाने से या कोई चीज नई डालने से उसका कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होता, जो चीज शरीर में पशु काम कर रहे हैं उन चीजों का ही फायदा है। डाल तो इसमें हजार लो, दिखा हजार दो, डाल एक भी नहीं, काम जिसमें चार न करना चार ही करेगा जी जी। जैसे सोना खाने से अगर कुछ फायदा होता तो अपना सोना वाले ज्वेलर्स भाई रोज सोना खा के सोए, लेकिन काम करना हमारा शरीर में अनाज नहीं जी। देखो अजीत भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई है, अग भाई देखो अगर आम डाल दें इसमें 40 पर वे काम के तो कोन्या, जो चीज काम की है जो फायदा देंगी, और भाई उसमें ज्यादा हम डाल लेंगे तो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा फिर पशुपालक के लिए, या महंगी हो जाएगी। हाँ महंगी हो जाएगी, जब कम चीज जमा हमने उतना फायदा मिलने लग रहा है तो महंगी करने की क्या जरूरत है। तो एक बार फिर भाई वहीं से शुरुआत करेंगे अजीत भाई, तो ये एक नंबर पर भाई साहब, ये सोयाबीन है भाई साहब, ये सोयाबीन है एक नंबर पर जो आप इस चूरी में अपना मिक्स करा है अनुपात के हिसाब से, जो अपने चूरी में मिक्स करी जाती है अनुपात के अनुसार। अच्छा जी जी जी, और ये दो नंबर पर अगर बात करें तो ये आगे भाई साहब चोकर। अच्छा हाँ, पशु जो इसमें मिक्स करा, चने का छिलका। हाँ, चने का छिलका आ गया। अच्छा चने का छिलका, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किसी भी सूरत में, क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज, कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता अपनी क्वालिटी है जी जी जी। वो यो नहीं है कि भाई क्वालिटी बोला उसके माल में इतनी क्वालिटी है, शिवानी दूध दारा में क्वालिटी है, वह क्वालिटी ये कुछ केमिकल ना घेरते उसमें जी, वह क्वालिटी यहाँ से उठका हुआ है, कोई केमिकल नहीं भाई सर, कोई मेडिसिन वो कहीं वो है नहीं करा, ड्राइंग में बोला इसके ऊपर यो कलर करोगे तो यो करोगे तो आखिर में यो बन जाएगा, यो बन जाएगा, तो क्वालिटी शुरू से उठा के चलना है। मीठा सोडा आ गया भाई साहब। अच्छा, जो पशु के डाइजेशन के लिए काम करता है, पशु के लिए बहुत ही जरूरी है, आजमे के लिए बहुत जरूरी है। कई बार देखा जा भाई पशु का उफारा बन जाए तो भाई देख बचना मुश्किल हो जाए, बचना मुश्किल हो जाए, तो डाइजेशन बहुत जरूरी है, मानसा में भी जरूरी है डाइजेशन आज के टाइम में भाई जी। कर आ गया भाई सब गेहूं का, जो पशु में फाइबर के काम करेगा, फाइबर का काम जी, करेगा जी, जी, जी। यो भी डालना है भाई, क्वालिटी आप आके नहीं, ये नहीं अग भाई बैग उठा लिया आग, अगर आप ये कहोगे ना अग इसमें तो भाई मेरा बैग तैयार करके दे दे 10 बैग दे दे, बिल्कुल ऐतराज है उस बात पे कुछ ना, कोई ऐतराज नहीं भाई साहब, खुश होके खुश होके खुश होके, जब पशु पालक ने भाई ने अपने आप पर फॉर्मा मार को लेके दे दिया तो हमारी जिम्मेवारी भी घट गई ना, बिल्कुल खुश होके दे देंगे और मार्केट से सस्ता दे देंगे। अच्छा वो ये 2-4-10 अनाज खरीदने के लिए भाई साहब जगह जगह जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा उसका, महंगा पड़ेगा, हमारा की होलसेल में हमारा माल आओ है तो उसने मार्केट से अनाज भी सस्ता देंगे और मात्र 1 रुपया पिड़ाई पे मतलब उसने अपना तैयार करके भी देंगे। कई पैसा हो जाए ना भाई, रसगुल्ले की 90 रुपये किलो मिल जाए जी, और वे मिठाई की दुकान पर हम लेंगे तो हमने 150-200 मिल मिलेंगे,
वो 90 में उनका पड़ता न्यू आ जाए, उनका काम सिर्फ रसगुल्ले बनाने का, रसगुल्ले बनाने का है। अपना न्यू पड़ता आ जाएगा भाई, हम बैग तैयार कर रहे हैं रोज की रोज, और एक आदमी अलग अलग चीज लाएगा उसके महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ये मक्की भाई साहब, हाँ ये मक्का आ गया भाई साहब, गुजरात का प्योर बढ़िया सुपर क्वालिटी मक्का, प्योर सुपर क्वालिटी का है भाई। और देख लो आजकल इसकी तो न्यू मान लो घनी डिमांड हो रही है, घनी जरूरत भी हो रही है, जरूरत भी है। इन्हें चाहे मानस खा लो चाहे पशु खा लो, पशु खा लो बराबर फायदा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। और ये भाई जी, हाँ ये गेहूं आ गई भाई साहब, गेहूं आ गया जी भाई, अनुपात के हिसाब से ये भी डालने पड़ा। कई बार कई पशुपालक भाई अपना के कर रहे हैं, बिला घर की गेहूं है उसमें अनाब शनाब मतलब लिमिट में डाल दे क्वांटिटी में, तो अच्छा। पशु को लाभ करने की बजाय नुकसान कर रहे हैं, वो मानसा नहीं डालना चाहिए। इससे अच्छा तो हमें एक काम कर लें भाई, हमारी ये जिस भाव में बिकेगी मार्केट रेट वो बेच के हम 2-4-10 आइटम और खरीद लें उसके बदले, लेकिन गेहूं इतनी मात्रा में भाई साहब नहीं डालना चाहिए, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अनुपात का ही खेल है। आ गया भाई साहब ये जो आ गया भाई साहब, जो गर्मी के लिए तो बड़ा ठंडा है भाई, हाँ अमृत बाण है ये तो, बियर पे भी छपे रहे लोग। जी जी देखो जी। ना मैं पीता ना अजीत भाई पीता, लेकिन जो चीज हुआ बताओ हम जी, 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 जी। क्योंकि साइंस हमने उन्हें भी पढ़ी भाई नहीं पढ़ी है, जेकर सारे गाँव है गर्मी के भाई सब पशु में ना वैसे ही बहुत ज्यादा हीट हो जाए है। हाँ जी कुछ तो ये केमिकल और ये मेडिसिन वाली आइटम खा खा के पशु है, लेकिन ये जो जाएगा तो उसमें शरीर में ठंडक पैदा होगी, ठंडक पैदा, हाँ रिपीट नहीं करेगा पशु, मतलब ये दोबते नहीं आएगी। और ये आगे भाई साहब राई, हाँ ये आगे भाई साहब तारा मीरा। देखो क्षेत्र वाइज अपनी अपनी भाषा में कोई तारी बोल दे कोई कुछ, मतलब देखो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये तारा मीरा हमारी भाषा में मतलब क्षेत्रीय यहाँ की भाषा में तारा मीरा कहला जाओ है। अच्छा जी ये एक अपने आप में औषधि है जो चरम रोग में बड़ा काम करेगी। अच्छा जी एक पशु का शरीर जो लाल पड़जे हैं कंटिन्यू अपना चारा अगर खिला होगा या कोई भी भाई इस तारा मीरा को खिला होगा तो उसका पशु लाल नहीं होगा कंटिन्यू खाने पर, तो मच्छर मक्खी का भी बड़ा फर्क पड़ा इसमें, चरम रोग का फायदा करेगा तारा मीरा जो है भाई साहब। आज का लेकिन मक्खी आ रही है भाई गणाई खून चूस जाए उन्हें मार देगा गई। हाँ भाई साहब ये एक किस्म से भाई इसने कहा था एंटीबायोटिक है। अच्छा। अगर इसमें कड़वाट है खून में खारापन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कोई मच्छर मक्खी मतलब इसके कम पन पाएगी इसके आसपास। अच्छा जी 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 तो भाई एक चीज एक अनुभव में और बता दूं अपना, मन बचपन में भाई साहब कई बार मारा ताऊ था फौज में था जी, तो वो नीम ने कूट कर ने एक आध गिलास हम उसका पानी पी लिया, पानी पी लिया करते तो भाई साहब बुखार को नहीं आया करता, ये काफी चीजें मतलब इन चीजों में। आज मैंने चाहे भाई जंगल में सुहा मेरे एक मच्छर नहीं लड़ा, मच्छर नहीं लड़ा कई बार तस्वीर भाई भी कहा अगर ये डाकी का मच्छर ना लड़ते तो ये चीज है कुछ देसी जिनके फायदे बहुत हैं। और ये भाई साहब अगले नंबर पे ये आगे भाई साहब अपनी मेथी, मेथी आ गई जी जो पशु के हाजमे के लिए बड़ा काम करेगी और दूध बढ़ाने में बड़ी सहायक है, दूध बढ़ाने में बहुत सहायक है, हाजमे में बड़ा काम कर रहा है। और भाई देख इसने तो मर्द मानस भी नहीं मान लो सांझ नहीं इतनी के भेदे और तड़के अंदर ना बसी एक चम्मच इसने खा ले और वो पानी पी ले तो 10 बजे तो भाई साहब बिल्कुल लागन दिया, हाजमा ही बहुत गजब का, हाजमा ही बहुत गजब का। अपनी आगे जैसे चना, हाँ जी देखो चना मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब जो हम घर में यूज करा दाल का चना, हाँ जी कितना साफ सुथरा और मतलब देख लो भाई, हाँ ओरिजिनल चना बिल्कुल साफ सुथरा है, यह चीज तो सेम ही दिखल ना गिरी है भाई आपने, बेटर क्वालिटी चाहे मेरे हाथ पे है जो इसमें नजर मार लो चाहे भाई के पास में इसमें मार लो और चाहे फिर कट्टे में धरा है और कट्टे कट्टे में भाई चाहे पूरा स्टॉक में कोई भी कट्टा आप बैग उठा के देख लेंगे तो स्टॉक ये मिलेगा अपने पास। कोई भी भाई देखो अगर आप घर पे मंगवाओ हो तो वो अलग चीज, अगर यहाँ पे आओ तो जिस चीज का स्टॉक आप देखना चाहो अजीत भाई दिखा सको। हाँ बिल्कुल भाई ओपन ही रहा अपना, तो 24 घंटे ओपन है अपनी फैक्ट्री। और क्या मिक्स करते हो भाई साहब? और भाई साहब इसमें जैसे आगे बिनोला खड़। अच्छा जी बिनोला खड़ भी आप अपनी ही खुद की तैयार करी हुई साउथ के बिनोला भी प्योर 11% तेल की खड़ा पा, इसका भी पूरा प्रोसीजर है भाई इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे प्योर जो बिनोले की खड़ तैयार होती है यहाँ पे। हाँ। तो यह भी मिक्स करें भाई साहब? हाँ, मिक्स करते हैं भाई साहब इसमें। अच्छा जी हाँ। और भाई साहब? और भाई साहब दो तीन चीजें जैसे रहेगी, ये अपना गुड़ का खुद्दा आ गया। अच्छा सेंधा नमक आ गया। और ले भाई ये गुड़ और बच गया था, ये गुड़ भी पिछली बार भी देखा था, पिछली बार तो हमने थोड़ा खा के चेक भी कर लिया था, खोल बेटे पर गर्मी है इवके तो वो तेल लेकर भाई जमा पसीना पसीना हो रहे हैं इवके ना आपने दिखा दे हैं भाई साहब। गुड़ कौन सी जगह तो मंगाओ? गुड़ छत्तीसगढ़ से भाई साहब, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का बढ़िया हो है। हाँ, बहुत सुपर क्वालिटी। उन्हें बचपन तो हम तो नहीं सुनते आए भाई हमारा एरिया में, उड़ा यूपी वाले आए थे बेचने भी, यूपी में बढ़िया हो गुड़। हाँ, यूपी की भी ठीक है क्वालिटी, लेकिन जो ये खुद ही क्वालिटी भाई साहब छत्तीसगढ़ की सबसे बेटर है। अच्छा ये अपनी जो है छत्तीसगढ़ की क्वालिटी है। इसका स्टॉक भी दिखाया था पिछली बार भी और अब की बार भी दिखा देंगे भाई। और देखो भाई ये गुड़ है, इन्हें चाहे खा भी लो, वैसे खाओ भाई, आज तो नहीं खाऊंगा भाई गर्मी घनी हो रही है। अच्छा देख लो भाई साहब लगता होगा भाई मतलब कोई चीज है, पिछली बार तो खा लिया था एक आंगली। हाँ। जसबीर ने भी चाटी थी। हाँ। इवका चाट उम्र रह गया था। हाँ, इवका भाई चेक कर लेगा। हाँ। 25-30 कट्टे के बाद जसबीर तक बुझ जाए किसा फायदा हुआ है इसका। तो और एक भाई साहब यो नमक और है सेंधा नमक भाई। हाँ, ये सेंधा नमक है। यो कहाँ से लो भाई साहब? ये भाई साहब इम्पोर्टेड है, मतलब बाहर से, मतलब मोटे तौर पर ये इसका काम है पाकिस्तान से।
अच्छा मैं जो से हाँ पर गाड़ी मतलब थोक में मंगवा लें, गाड़ी थोक में मंगवाओ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आइटम होगी टोटल। 16 आइटम डाल लो आप, 16 पूरी क्वांटिटी में जितनी मात्रा में जिसकी जरूरत हो। अनुपात शरीर के हिसाब से पशु कौन सी की डिमांड कितनी है, अनुपात वाइज। अनुपात 2 ग्राम डालना है तो 2 ग्राम ही डाल जाएगी, 200 ग्राम डालना 200 ग्राम ही जाएगी। तो भाई ने बताई थी कि भाई अपने पास में जो बनोले की खड़ है वो भी ऐड करते हैं, और वो कहीं से मंगवा के नहीं ऐड करते, वो खुद तैयार करते हैं। और भाई यहाँ पे अपना जो बैग है 50 किलो का भाई साहब, 49 किलो, अच्छा भाई 49 किलो, 49 किलो की बनोले के खड़ की पैकिंग है। और ये स्टॉक है भाई सारा बिनोले का, ये सारा स्टॉक होगा भाई साहब, सारा बिनोला भाई साहब अंदर लग रहा है सारा। कहाँ से मंगवाते हो बिनोला आप? आओ भाई साहब, ज्यादातर मतलब 4 स्टेट चले हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। अच्छा उधर से आता है। तो यहाँ पे ये बिनोला डल गया वहाँ से? हाँ भाई साहब, वहाँ से सीधा ऊपर भाई जी। हाँ, ये एलिवेटर से ऊपर उठा लेगा, दोनों मशीनों को बिनोला दे देगा, और हलत होगा तो वो वापस कन्वेयर के द्वारा वहीं चला जाओगे। अच्छा, वापस वो वहीं पे डलने लग रहा है? हाँ बिल्कुल, वापिस वही डलने लग रहा है। और ये देखो भाई साहब खड़ की क्वालिटी देखो आप। बिल्कुल भाई, क्वालिटी जो है देखिए भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म है, गजब की क्वालिटी है। और ये यहाँ से सीधी ऊपर का जाकर अपना बाहर जा रहा है, 25 फुट की बेल्ट है भाई, और यहाँ तक सीधा देखो ये प्रॉपर तैयार होकर अपने आप बाहर गिर गया है भाई साहब। पैकिंग फिर यही करवाओ? हाँ पैकिंग यही बाहर भाई साहब, प्योर बिनोले खड़ भाई साहब, प्योर बिनोले, प्योर बिनोले, क्योंकि इस चीज की भी अपनी गारंटी है। के रेट में बेचो भाई साहब इसने? ये आज का 1,850 रुपए प्रति बैग भाई साहब। पिछली वीडियो में बताई थी कि इसका रेट घटता बढ़ता रहे। हाँ फ्लेक्सिबल है, इसका बहुत ज्यादा अप डाउन आ जाए, जैसे मतलब ऑफ सीजन में अपनी 2,450 तक गई है। अच्छा जी, और आज अपना 1,850 का है, 1,850, नीचे सीजन में 1,300 रुपए तक गई है प्रति बैग। अच्छा, कम से कम 1,300 इस साल की बात कर, ज्यादा से ज्यादा 2,450 हो गई है, 49 किलो प्रति बैग। आज की डेट में 1,850 रुपये प्रति बैग, 1,850 रुपये। तो ये तो देखो, ये सामने जितनी भी भराई है या ताजी भराई है सारी भाई। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। पर डे क्या क्विंटल का डो भाई साहब? ये मोटा मोटी मान के चलो भाई साहब 500 बैग की एवरेज है, 500 बैग की एवरेज है पर डे की, पर डे तो 500 बैग कम से कम निकल जाते हैं। कुछ ये स्टॉक पड़ा, कुछ ये सामने है, 1,850 आज का रेट है बनोला खड़े ओरिजिनल, ओरिजिनल जेन्युइन, प्योर जेन्युइन। और भाई आ जाओ एक बार जसबीर भाई, या फीड के बारे में और देख लेते हैं। भाई ने पिछली बार तो स्टॉक देख लिया था लेकिन बनती नहीं देख पाए थे, इस बार पैकिंग होती देखेंगे। आजा भाई अंदर आजा जसबीर। और देखिए भाई ये स्टॉक है, जो जो आइटम भाई साहब ने दिखाए थे, ए यो मक्का हो गया भाई, इसमें यो तारा मीरा, ये छोटे छोटे दाने दिखते होंगे आपने, और भाई यो चना हो गया देख लो, ये चना हो गया, और ये इस साइड में हो गया भाई जसबीर, जो अरे हो गए मेथी, और यह होगी मेथी, एट कर लानी पड़ेगी तारा। देखिए भाई दिखाइए जसबीर, ए या मेथी होगी भाई। देखो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक चीज आप कन्फर्म करा कर, हमारी संतुष्टि होगी जब हम आगे उस चीज ने दिखाओगे। वो तो देख ले गर्मी में पसीने बराल हो गया है, पर भैया चीज संतुष्टि जरूरी है। यो सारा जो ओरिजिनल मटेरियल है भाई, यह चीज आपके सामने है, तस्वीर दिखाइए तो पूरे एंगल में, ओरिजिनल जो मटेरियल है भाई, सारा का सारा ओरिजिनल है, यह चीज ही डाली जाओ इसमें। जितने आइटम भाई ने दिखाए सब का मिश्रण कर रखा है, और जो इस पैकिंग दिखाओगे आपने, जो पैक हो लग रहा है, जो भी बड़ा है, उस चीज को आपके सामने दिखाया जाएगा। ले भी कर दो भाई, पूरी मात्रा में स्टॉक ले रहे हर चीज का। ये सारी बोरी मक्के की भाई साहब? हाँ ये मक्का भाई साहब, ये चना है, ये मेथी है। अच्छा मेथी, हाँ। दिखाओ भाई साहब, मेथी कहाँ पे जी? ये मेथी लग रही भाई साहब, और ये सारा स्टॉक मेथी का है? हाँ, ये मेथी का है। अच्छा जी, और तारामीरा भाई जी? तारामीरा भाई दिखाते भाई साहब, तारामीरा और दिखाओ भाई, तारामीरा, ये मेथी आ गई भाई साहब, ये सारा स्टॉक है मेथी का, और ये अपना तारामीरा हो गया, ये आ गया तारामीरा, दिखाइए भाई, ये तारामीरा आ गया भाई साहब, ये हो गया भाई जी तारामीरा। हाँ जी, और जो भाई जी जो उधर लग रहे? अच्छा जो पीछे हो गया, ये इधर स्टॉक क्या क्या है भाई और बता दो। ये चना आ गया भाई साहब, मेथी आ गई, गेहूं आ गई, गेहूं आ गया, चोकर आ गया। हाँ। और भाई जो खड़ थी अरबंदोला, वो सारी चीज आपको दिखा, साइड है दूसरी, गुड़ भी दिखा दिया, गुड़ का स्टॉक दिखाइए जसबीर भाई, यो सारा गुड़ का स्टॉक है भाई, जो चीज दिखाई है सारी जेन्युइन डालीजा है। लग रहा है भाई कुछ इधर है, कुछ इधर है, बाकी गुडाउन में है यो फिलहाल, अभी ताजा ताजा। हाँ, ये बिल्कुल तैयार करके, अभी तैयार करके छोड़ा है। एक कट्टा और भर के दिखा देना भाई, और देख लो भाई कट्टे की जो भराई है भाई साहब, कितना वजन है इसमें? इसमें 40 किलो भाई साहब, पूरा 40 किलो, पूरा फिक्स नेट 40 किलो, 1 ग्राम कम ना, ज्यादा का भी हम वादा नहीं करते और कम भी नहीं है। बिल्कुल जी,
भाई ज्यादा भी नहीं देते और कम भी नहीं देते जी भाई साहब बिल्कुल। को भाई शिवानी दूध धारा की तीनों गड्डी बिल्कुल तैयार है और भाई कौन कौन से एरिया में जहाँ कहाँ तक की पोसा सारी बुझ जाएंगे। शकर तो फारी में वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई, कुछ तो काला था एक में और हो गया था, एक लेंस का खर्चा और होगा जब जागे कितने जसबीर ने कैमरे में टोया पाऊंगा मैं, जिस हमने मेहनत करी है वीडियो बनाने में। पशुपालक भैया ने मड़ा अभी फर्क नहीं रहा भाई साहब, आपके पसीने की ना कीमत समझूंगा मैं। बहुत बहुत और बहुत बढ़िया करे आपने इसी प्रकार, अगर बेजुबान पशुओं की जुबान बन के भाई साहब पसीना बहते रहोगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी भगवान का आपको तरक्की करे। भाई साहब हमने तो एक चीज का ज्ञान है, किसी का बुरा मत करो, जिंदगी में थारा कदे बुरा नहीं होगा। अजीत भाई तीनों गाड़ियां ही बता दो कित कित की रवानगी है इनकी। ये गाड़ी भाई साहब अपनी रवाना होगी सुबह 4 बजे रोहतक, मैम, सांपला और बहादुरगढ़। ये चीज मैं इसलिए पूछने लग रहा हूँ भाई ताकि अपना पता चल जाए किस किस एरिया में जा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा कहाँ कहाँ पर है। जी जी जी, ये गाड़ी है भी भाई साहब पानीपत के लिए तैयार सुबह। अच्छा जी, ये 4 बजे निकलेगी जी, जींद, गोवाणा, सोनीपत, गनौर और पानीपत तक ये गाड़ी जाएगी भाई साहब। अरे भाई साहब भिवानी नंबर, ये भिवानी नंबर जाएगी भाई साहब, दादरी और रेवाड़ी, दादरी और रेवाड़ी। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, एक भगवानपुर तो ही फोन आया होगा, रूड की हर दीवार था। हाँ बिल्कुल आया था भाई साहब, कल ही 50 बैग भेजे उस भाई, राम नरेश भाई का। जी जी जी, और भाई भेजे। अरे यो भाई साहब, यो ट्रक है राजस्थान नंबर है। हाँ ये अपन बिंदोला मंगवाया है भाई साहब, महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र से बिनोला। हाँ। आया है भाई, जो भाई ने बताई थी स्टॉक भी दिखा दिया था। हाँ, जिससे आप अपनी खड़ तैयार करा है। और यो उतरण भी लाग रहा है, देख लो भाई आपके। हाँ। सामने है, और भाई भी पूरा देश भगत है, चंद्रशेखर आजाद की फोटो ला रहा है ट्रक पे भाई, और आधी संस्कृति ने और क्रांतिकारियों ने ट्रक वाले भाई जिंदा रख रहे हैं। जीत भाई हाँ बिल्कुल, अजय भाई सही कर रहे हो, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी कही थी भाई मैं हरियाणा हरियाणा में देने में सक्षम हूँ। जी भाई साहब, तो देखो ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए भाई, चोट फेट का इलाज करूंगा और गांव गांव क्या करूंगा। बिल्कुल दवा चीज तो हो जाए गलत है, अच्छी चीज की सब नजर होते है होनी चाहिए भाई साहब, और हम भी खुद खुश हैं कि भाई इस लायक बना के पूरा हिंदुस्तान में कवर करा। लेकिन भाई साहब के है, अगर दूर 5 बैग में देने चला गया तो यहाँ तो 50 बैग मतलब किसानों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जिन भाइयों के पास 50 बैग भेज सको उसके लिए 5 बैग का समय खराब हो जाए। तो का इसका इलाज क्या हो भाई जी? इसका इलाज तो भाई साहब धीरे धीरे ही होगा, और तो की इलाज है दूसरा कोई भाई, डीलरशिप लेना चाहो। हाँ डीलरशिप वाला बढ़िया है, सब डिविजन आप मतलब उसमें भाई ने दे देंगे। दे दोगे भाई? दे देंगे बिल्कुल। तो भाई वह चीज भाई ने बता दी है, अगर कोई वो पॉसिबल है डीलरशिप लेना चाहो। हाँ, है वो पॉसिबल है तो भाई के पास मैं आप कॉल कर लियो, जिसने भी देखो कितने बढ़िया तरीके से बता दिए हमने, जी जान ला दी है, कोशिश करके कि भाई एक सच्ची जानकारी आप तक पहुँचावे, और रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया हुआ। चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जसबीर भी गिल कह रहा है, जसबीर वह कैमरा छोड़ के शैमी आ जा, पसीना पूछा है पूछा पसीना न्यू बता क्या कट्टे जा लिए अपने गाँव में आपने जो कर मने मंगाए थे घर के नोले थाने वीडियो बनाई है कट्टे मंगाऊंगा। अच्छा तो आपने कम से कम पहली बार मंगाए थे 20 कट्टे, फिर गांव में का देने बुझी किसी ने? हाँ गांव में कई ने कहा था हमारे भी मंगाइए, फिर उस टाइम उस आन नहीं पाए तो आपने तो पाछे तो ठा ले गए थे यानी क्या करते ले गए। अच्छा। अगली बार आओ जब ले लियो थारी। अच्छा जब थारी ले लियो, ईब जितनी है मारते जो हम भी ईब चालू करें खवानी है। बढ़िया है रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आया क्योंकि मैं तो मैसा ध्यान रखता नहीं करे के रख है। देख वो ही बात है गेल तेरे भी जूत लग गए गलत पाई थे मेरा लग गया की है मैं तो घर की बता सकूं वरना मैं खवांदा घर क्या ने कहा था बोले वाखड़ दोबारा मंगा दे थाली। 20 कट्टे फेर गए हैं। 20 फेर गए, अरे फेर कौन देखा केवल अगर के वा खड़ दोबारा मंगा दे तेरे वाली। हाँ क्योंकि वीडियो नहीं बना रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा तेरे वाली खड़ मंगा, तेरे वाली खड़ मंगा दे दोबारा। तो भाई रिजल्ट कुल मिला के बहुत अच्छे हैं भाई। हाँ खाओ बढ़िया है, बीजे बहुत जल्दी है। मेन चीज है भाई पशु खा ले जिस चीज ने, वो फायदेमंद है पशु के लिए, पशु जुगाली करेगा तो दूध अपने आप खा भी अजय भाई खुश हो गए। हाँ संभाल ले, आज की जो वीडियो बनाई है वह बिल्कुल बारीक की तो जांच कर कर भाई ने बताई है। अच्छा एक चीज रहेगी भाई साहब, फीड का रेट रह गया। हाँ फीड का रेट आज का 1400 रुपए प्रति बैग, 40 किलो वजन है भाई साहब, 40 किलो का बैग है 1400 रुपए प्रति बैग। और यह चीज भाई ने खड़ के बारे में भी फीड के बारे में बता दी, सीजन के हिसाब से जी कम भी हो सके और ज्यादा भी हो सके ज्यादा। और रेट की बात भाई साहब, जैसे ये फैक्ट्री का रेट है आज का रिटेल का 1400 रुपए। अच्छा जी, तो मैं जहाँ जहाँ भी आपकी वीडियो के माध्यम से जो ऑर्डर आए ना वहाँ भी मैंने उसी रेट में पोस्ट करी है भाई साहब। अच्छा, फायदा नुकसान ना देख के मैंने ये सोचा लोगों को भाई चीज दिखावा। देखो मैं तेन कहूंगा भाई साहब, चाहे कोई वीडियो आला चाहे बिना वीडियो आला भी, जी 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 पशुपालक लग गया वो सब समान है हमारे लिए, समान है गलत है भाई साहब। कई भाई ने भी कहते हैं जब कोई नुका ना भाई अजय की वीडियो देख कर
और फिर हम फीड लाए थे तो भाई दो पीछे मन देखेगा ना भाई, मेरी वीडियो का कोई फर्क नहीं उस चीज का, क्योंकि चीज भाई ओरिजिनल बना हुआ है तो सब तो एक समान देगा, एक समान, गलत तो नहीं कर रहे भाई साहब। रेट अपना नाम है ही नहीं भाई साहब, कम ज्यादा क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वजन कम ज्यादा नहीं होगा कभी भी, तीनों चीजों की गारंटी है, तीनों चीजों की गारंटी है बिल्कुल भाई। भाई के जो फीड है खड़ा है, बढ़िया रिजल्ट है भाई साहब। एक बार फोन नंबर बता दो अपने। फोन नंबर 9893-76-8131। दूसरा नंबर कोई? दूसरा नंबर बस एक ही जाता है, ठीक है भाई, भाई ये फोन नंबर है और स्क्रीन पे भी चल रहा है। डीलरशिप लेना चाहते तो कोई इस नंबर पर कॉल कर लियो, और भाई कोई भी भाई अगर शिवानी दूध द्वारा फीड या खड़ खरीदना चाहता हो तो वो भी इसी नंबर पर संपर्क कर लियो। और भाई कमेंट में मारी मेहनत भाई की मेहनत की सी लगी या राय जरूर दे दियो। राम राम सारे भाइयों ने, राम 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 पशुपालक भाइयों।